गाइस आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत बढ़िया लगता है। आपका स्वागत करते हैं अगेन आपके चैनल विमल प्रकाश इमेज में। तो आज देखिए सर्विसिंग कर रहे थे, बहुत ज़रूरी था सर्विसिंग। तो आज मैं आपको अमेरिकी डॉलर के बारे में बताऊंगा, अमेरिकी डॉलर कैसे खर्च करते हैं जब हम लोग जेरूसलम में जाते हैं। जो हम लोग जेरूसलम में जाया करते हैं, होली लैंड में जाया करते हैं, मिस्र में जाया करते हैं, तो हम लोगों को जो शॉपिंग्स करना रहता है वो कैसे करते हैं, किस तरह से होता है, तो आपको बता देता हूँ कि डॉलर्स में हम लोग करते हैं, डॉलर्स यानी अमेरिकी डॉलर्स। तो जो डॉलर की बात है तो अमेरिकी डॉलर हम लोगों को लेकर के जाना रहता है, मतलब जॉर्डन, इसराइल और इजिप्ट, ये तीनों जगह हम लोगों को जो शॉपिंग्स रहता है कोई भी चीज़ खरीदना हो तो डॉलर्स में खरीदते हैं, यानी अमेरिकी डॉलर यानी यूएस डॉलर। तो इसराइल में जब आप तो वहाँ पर कुछ शॉपिंग करने का प्रोग्राम बनता है तो वहाँ जेरूसलम में, बेतलहम में, वहाँ पर हम लोगों को एक घंटे डेढ़ घंटे का मौका मिल जाता है, जम के हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, वहीं पर करते हैं। तो चाहे वो चंदवा लेना हो, रोजरी लेना हो, या डेड सी का मिट्टी लेना हो, या जेरूसलम बेतलहम का मिट्टी सब लेना हो, फिर खजूर बहुत फेमस है जेरिको का, वहाँ से खरीदते, तो सारा चीज़ हम लोग ले लेते हैं डॉलर्स में, है ना। तो अच्छा, इसके अलावा मुझको याद आ रहा है कि मिस्र देश में जब हम लोग सिनाई पर्वत के आसपास में जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग डॉलर्स को जब बस से उतरते हैं तो जो दूरी है तय करते हैं करीब करीब, अगर पैदल चलते हैं तो नो डॉलर्स, नथिंग, लेकिन एक एक डॉलर, एक डॉलर जाने में और एक डॉलर आने में तो वो खर्च हो जाता है। और उसमें क्या होता है, एक मिनी बस जैसा छोटा बस रहता है जिसमें 10-12 लोग आ जाते हैं, वो गाड़ी आपको आपको लेके जाएगा वहाँ तक, सेंट कैथरीन मॉनेस्ट्री बोलते हैं, वहाँ तक लेके जाएगा, मठवासी फादर लोग वहाँ उसका देख रेख करते हैं, उनका ब्राउन उनका अपना यूनिफॉर्म रहता है तो वो लोग देख रेख करते हैं, वहाँ तक जाने में जो एक डॉलर है, लौटने में एक डॉलर यानी दो डॉलर खर्च होता है। इसके अलावा एक और चीज़ है मुझको याद आ रहा है, जब आप इसराइल से मिस्र देश की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप गौर कीजिएगा कि बीच बीच में दो जगह हम लोग होल्ट करते हैं, वहाँ ब्रेक रहता है तो वॉशरूम का यूज़ करते हैं, तो ठीक बात है, उसके लिए पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन हो सकता है किसी को कॉफ़ी पीना है, कोई वहाँ एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, तो वो सब चीज़ में खर्च हो जाता है। अब जेरूसलम से जो ख़रीदारी करते हैं, जो हम लोग शॉपिंग करते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे, विशेषकर ये डॉलर कहाँ से मिलता है, कहाँ से लेंगे, और क्या हम भारत का रुपया को लेकर के वहाँ उधर होली लैंड में जाएंगे तो शॉपिंग कर सकते हैं क्या, तो वो भी सवाल है। और कहाँ ख़रीदेंगे हम लोग डॉलर को, अमेरिकी डॉलर को, तो वो महंगा पड़ सकता है, और कहाँ सस्ता पड़ेगा, और कहाँ ओरिजिनल नोट मिलेगा, कहाँ जाली भी मिल सकता है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो गाइस बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आपको तो हमारे चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइए। डॉलर का जो इस वक्त प्राइस है वो है करीब 81 रुपया 82 रुपया 83 रुपया के बीच में। हम लोग दिल्ली वालों से ही ख़रीदारी करते हैं, दिल्ली वाले ही से लेते हैं। जॉर्डन का दिनार है आपके पास, नहीं तो जॉर्डन में चल जाएगा, इसराइल में और मिस्र में नहीं चलता है, और इसराइल का शेकल है तो वो जॉर्डन और इजिप्ट में नहीं चलेगा, उसी तरह से मिस्र का जो इजिप्शियन पाउंड है वो बाकी इसराइल और जॉर्डन में नहीं चलेगा, यानी कि यूएस डॉलर है वो दोनों जगह चल जाता है, अच्छी बात है। ये पवित्र कपड़ा इसको हम लोग आशीष करवा के लाते हैं, वहाँ पर ब्लेसिंग करा के लाते हैं, विशेषकर वहाँ 13th स्टेशन में जहाँ यीशु को मरियम के गोद में क्रूस से उतार के रखते हैं, और उसके बाद में स्लैब में थोड़ा आशीष कराते हैं, क्योंकि उस स्लैब में प्रभु यीशु के बॉडी को रखते हैं, और वहाँ से इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो वेदी है वहाँ पर अच्छा से इसको प्लेस कर देते हैं, और प्रार्थना में प्रभु को याद करते हैं। मोमबत्ती है ये, देखिए ये है जेरूसलम, ओल्ड जेरूसलम में ये होली टोम्ब है, होली टोम्ब,
और ये जो ये देखिए ये सब भी हम लोग खरीदते हैं शॉपिंग। इसके बाद ये देखिए ये है आपका स्वीट आलमंड, मतलब ये देखिए स्वीट आलमंड, तो ये भी एक परफ्यूम फैक्ट्री है वहाँ मिस्र में कायरो, वहाँ पर हम लोग खरीदते हैं। तो विशेषकर ये स्वीट आलमंड ये स्किन के लिए बहुत अच्छा परफ्यूम बोलिएगा चाहे या तेल बोलिएगा बहुत अच्छा रहता है, ओरिजिनल होता है, इसी को फॉलो करता है कॉपी करता है यूरोपियन कंपनीज। इसके अलावा कहीं कहीं दर्द वगैरह सब रहता है जोड़ में चाहे मांसपेशी में, तो MYRRH ये बहुत अच्छा होता है, उसी जगह से हम लोग खरीदते हैं। इसका दाम रहता है $35। और ये देखिए ये एनोइंटिंग ऑयल है NARDNR, जेरूसलम में ये मिलता है, तो ये भी एक दूसरा तरह का तेल होता है। ये जेरूसलम जो हम लोग परफ्यूम दिखा रहे थे वो मिस्र का था, ये है इसी तरह से, यहाँ भी है ये वाला, ये भी जो बैग देख रहे हैं ये बैग भी हम लोग वहीं से खरीदे थे। और ये है रोजरी, रोजरी और ये है रोजरी, बहुत सारे लोग इसको मांगते हैं तो हम लोग इसको ले लेकर के आते हैं दूसरों को देने के लिए। क्योंकि आप रांची में रहते हैं तो रांची में मेरे लिए ज़्यादा सहज होता है जब हम उसको डॉलर को बटोरते हैं, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपका जो मेन ब्रांच है यानी कचहरी वाला जो ब्रांच है वहाँ पर आप डॉलर के लिए जाके संपर्क कर सकते हैं, वहाँ बेसिकली वो लोग दे दिया करता है। और एक ब्रांच और है जो डुरंडा वाला जो स्टेट बैंक है वहाँ भी आप जा कर के डॉलर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और आपका कोई परिचय है किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच में कोई बंदा एम्प्लॉई है तो वो लोग भी आपके लिए कर सकता है। केवल स्टेट बैंक नहीं है, स्टेट बैंक के अलावा भी किसी दूसरे बैंक जैसे सिंडिकेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, तो किसी भी बैंक से भी आप संपर्क कर सकते हैं तो वो आपको डॉलर दे सकता है। बस आपको अवेलेबिलिटी होना चाहिए। बहुत बार मेन ब्रांच जो स्टेट बैंक का जो कचहरी वाला ब्रांच है उस वाले ब्रांच को छोड़ करके बहुत बार डॉलर्स होता ही नहीं, मतलब मिलता ही नहीं, तो इसको इन एडवांस हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं अगर हम लोगों को जाना है होली लाइन। कुछ नोट है जो लोग बोलते हैं कि वो जाली है, लेकिन वो जाली नहीं होता है, बस वो नोट थोड़ा सा पुराना होता है, पुराना जो इस वक्त चलन में नहीं होगा। तो जो नोट चलन में है बिल्कुल नया नोट है जो इस वक्त चल रहा है उसको आप लोग खरीदिए, किसी भी बैंक से लेना हो या किसी भी एजेंसी से लेना हो। जैसे कैपिटल हिल में जो फर्स्ट फ्लोर में आपका थॉमस कुक है, थॉमस कुक से भी आप ले सकते हैं, हम लोग बहुत बार उससे भी लिए हैं, तो वहाँ से भी नोट करेंसी जो मिलता है US डॉलर वो सही मिलता है। अब दूसरी बात है कि जब आप होली लैंड से लौटते हैं सारा खर्च वगैरह सब करने के बाद में और अगर बच गया है आपके पास में डॉलर तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं, लेकिन बात है कि 100-200 डॉलर अगर होगा मान लीजिए बचा हुआ है तो वो लोग रिफंड नहीं लेता है, ऊपर से कुछ सेंट्स अगर बचे हैं 50 सेंट्स अगर रहेगा तो उन चीज़ों को वो लोग नहीं लेता है। तो कम से कम 400-500 से ज़्यादा डॉलर्स होने चाहिए अगर आपको रिफंड करना है अगर आपके पास बच गया है तो। रोज़ का जो रेट रहता है डॉलर का वो कम बेसी होता रहता है, जैसे जब हम लोग 4 साल पहले हम लोग जब जा रहे थे तो डॉलर का रेट 67-68 ऐसा था, मतलब सस्ता मिलता था, लेकिन आज के डेट में डॉलर का रेट 82.70 हम लोग खरीदे थे पिछले सितंबर अक्टूबर में।